students, welcome to statistics video. Now today's topic it is probability. So यहाँ मैंने क्या किया है students, probability को दो parts में divide कर दिया है. तो part one जो आज हम discuss करेंगे उसमें हम सारे basic concepts, जो questions आते हैं आपके, जो theorems apply होती हैं वो देखेंगे, और part two में हम Bayes rule देखेंगे और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे. अगर क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आ रहा है या थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी आ रहा है तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे. सो आज हम पार्ट वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज ऑल्सो नोन एज. तो अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके प्रोबेबिलिटी में तीन अप्रोचेज होती हैं, क्लासिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड एक्जियोमेटिक अप्रोच. तीनों अप्रोच के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होता है. सबसे पहली जो अप्रोच आई थी ना, जिससे आप प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस अप्रोच का नाम था क्लासिकल अप्रोच. ठीक है, अब ये जो क्लासिकल अप्रोच है इसे मैथमेटिकल अप्रोच भी कहा जाता है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, राइट. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ये अप्रोच किसने दिया था ये भी हमें पता होना चाहिए. इससे उसके और क्या क्या नेम्स होते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है. तो जैसे कंडीशंस क्या होती है कि जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए, एग्जॉस्टिव होने चाहिए, तभी आप जो है वो इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्रायरी प्रोबेबिलिटी. और स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, और क्लासिकल अप्रोच तो मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड अप्रोच होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इसको वॉन मिसेस अप्रोच भी कहा जाता है. तो ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द टू इवेंट्स इज सर्टेन टू हैपन. मतलब दो इवेंट्स है, दोनों में से एक इवेंट जरूर होगा. द चांस ऑफ वन इवेंट इज वन फिफ्थ ऑफ द अदर. तो यहाँ पे चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन फिफ्थ दिया हुआ है दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से. द ऑड्स इन द फेवर. अब क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं आपसे कि जो ऑड्स इन द फेवर. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है. तो पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे. अब आप समझिए स्टूडेंट्स, एन जो है वो आपके पास टोटल आउटकम्स है, उसको हमने ब्रेक कर दिया एम में. एम मतलब फेवरेबल, जो काम हो रहा है दैट इज फेवरेबल, और n माइनस एम मतलब अनफेवरेबल. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अब यहां से आप समझिएगा, ऑड्स इन द फेवर, फेवर में है मतलब फेवरेबल पहले लिखोगे. ऑड्स मतलब होता है रेशियो, तो m इज टू, दूसरा वाला रेशियो क्या है आपका n माइनस एम. सिमिलरली ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब जो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पहले इसको लिखना है दैट इज n माइनस एम इज टू n. बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन. तो ऑड्स इन द फेवर मतलब पहले फेवर, ऑड्स मतलब रेशियो, इज टू अनफेवरेबल. अब सपोज अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ऑड्स इन द फेवर है किसी भी इवेंट का, राइट, वो 9:5 है. तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फेवरेबल अपॉन एग्जॉस्टिव या टोटल लिख देते हैं. तो ये ऑड्स इन द फेवर मतलब किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फॉर्म में, जैसा आपने यहां समझा. तो फेवरेबल कितना है, 9 है, और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मतलब इन दोनों को ऐड करना. तो यहां पे आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 14. तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करते हैं. अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि वन इवेंट का चांस जो है वो 1/5 है दूसरे इवेंट के से. तो एक इवेंट लेट से आपने एक्स ले लिया चांस, तो दूसरा इवेंट क्या है 1/5 है पहले वाले इवेंट से. ठीक है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है. तो ऑड्स इन द फेवर ऑफ द अदर मतलब पहले अदर वाला लिखना है, अदर वाला मतलब बी वाला लिखना है. तो आपको इसमें लिखना है, इस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए. तो अब आपको पता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, क्यों पता है, क्योंकि आपके पास ये अप्रोच होती है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. ठीक है, अब आप ऐड कर लीजिए इसको,
तो ये आपके पास आ जाएगा 6x बस दिस थिंग, तो x आपके पास आ गया 5/6 आ गया, तो ये x इसका है। और इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, a का तो 5/6 आ गया और b का क्या आ गया 1/6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए 5/6। अब b इज टू a चाहिए, तो b की प्रोबेबिलिटी ये थी और a की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:5, तो ये ऑड्स इन द फेवर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस इजी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है और क्वेश्चन में ये जो लैंग्वेज लिखी होती है ये देखना है आपको, ठीक है। तो ऑड्स मतलब रेशियो होता है, तो आप जैसे आपको नहीं आ रहा है तो एक्स लेट कर लीजिए और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सियोमैटिक अप्रोच में आपने पढ़ा हुआ है कि एंटायर सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स एंड पी ऑफ ए गिवन बी, आपको पता है दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपको 0 गिवन है, देन इफ ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइकली मतलब चांस और इक्वली मतलब इक्वल, जिस सारे आउटकम्स या सारे इवेंट्स का चांस कैसा है इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा इवेंट होगा इम्पॉसिबल होगा या बी इम्पॉसिबल होगा, दोनों इम्पॉसिबल होंगे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये आपको बताना है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको इनका डेफिनेशन पता होगा कि वॉट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वॉट इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कंडीशन आपको दिया हुआ है, वॉट कंडीशन इज गिवन टू यू, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती, ये पता होना चाहिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये 0 नहीं है तो कौन 0 है स्टूडेंट्स, ये 0 है, इसका मतलब समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 होगा। अगर इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, ए इंटरसेक्शन बी 5 मतलब समझते हो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो इवेंट्स कैसे हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट्स का नेचर आपको पहले ही बता दिया कि इंडिपेंडेंट है और चारों की प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नन ऑफ देम अकर्स, नन ऑफ देम मतलब कोई भी इवेंट नहीं हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां अगर आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को अच्छे से पढ़ा है तो उसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। आपको डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी दो ऐसे इवेंट्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, दैट इज नोन एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि कोई भी इवेंट नहीं अकर हो रहा, तो आपने जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ा है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यू हैव स्टडीड दिस, क्वेश्चन में मैंशन है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो एक रूल होता है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, अगर आपको पता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। Even if it is this way, then also it can be expressed as this. तो ये तीन चार जो है वो रूल्स होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी इवेंट अगर अकर नहीं हो रहा है और इवेंट्स का नेचर इंडिपेंडेंट है तो आप कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई कर देंगे, दिस एंड दिस इज इक्वल टू वॉट पी ए बार डॉट पी बी बार पी सी बार, सिंपल मल्टीप्लाई करना है सबको, बट ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, राइट। पी बी दिया हुआ है 1/3, तो क्या हो जाएगी 2/3, देन वी हैव 3/4, देन वी हैव 4/5। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारे रूल्स जो हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के वो पता होने चाहिए, प्रोवाइडेड इवेंट्स का नेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ऑन सॉल्विंग 1/5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 रेड 4 ग्रीन एंड 5 ब्लैक बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, तो इतनी बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल को ड्रॉ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड, या तो वो रेड बॉल होनी चाहिए या वो ग्रीन बॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैसे तो स्टूडेंट्स आप एडिशन रूल लगेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे और है, और मतलब यूनियन करना है तो एडिशन रूल लेंगे। रेड और ग्रीन बॉल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आपको पता है कि जो एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है, दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो आपको सिर्फ एक ही बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6 में से एक रेड बॉल निकालोगे तो 6C1 डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव 15C1 हो जाएगा ये। और आपको एक कैसे निकालनी है, ग्रीन बॉल 4C, तो ये क्या हो जाएगा 4C1 डिवाइडेड बाय 15C1। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर क्या हो गया 6C1, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एन एडिशन थ्योरम और एडिशन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से इससे हमारे सारे जो डेफिनेशंस पार्ट हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो यहाँ आप मैच करिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो राइट नाउ अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही डिस्कस करा था कि इसके लिए कौन सी आपकी रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये इसका आंसर हो गया दिस वन, सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब इंटरसेक्शन जीरो, तो ये आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो अब आपके पास दो आंसर्स बचे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जब प्रोबेबिलिटी स्टडी किया था, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू, तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, जब भी आप सॉल्व करते हो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हो, तो इसका आंसर थ्री हो गया। सो आंसर क्या आया, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको कोड्स दिए हुए, तो सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड अर्न कंटेन्स 4 टिकट्स मार्क्ड बाय दीज नंबर्स, ये नंबर्स हैं, एंड 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, और एक टिकट यहाँ से हम पिक कर रहे हैं। लेट एआई इवन दैट अ हायर डिजिट बी ऑन द नंबर ऑफ द टिकट ड्रॉन इज 1, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपके पास आई की वैल्यू 1, 2 और 3 है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, देख रहे हैं आप 3 डिजिट्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहली आयथ डिजिट जो भी आप ड्रॉ करेंगे, पहली डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, वो नंबर 1 आना चाहिए। तो इवेंट्स का नेचर कैसा है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, कैसा है? तो पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन और अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, जैसे आपके पास ये टिकट्स का जो है वो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब A1 मतलब क्या, A1 की आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, टोटल टिकट्स तो 4 हैं, तो वो तो नीचे 4 आ जाएगा। A1 मतलब यहाँ पे AI क्या बोला है कि यहाँ पे I की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आपके टिकट पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले में पहली डिजिट टिकट पे 1 आ रही है, इस वाले में पहली डिजिट टिकट पे 1 आ रही है, बाकी नहीं आ रही, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। फिर आपको A2 निकालना है, A2 मतलब सेकेंड डिजिट, अब इस टिकट्स में से जिसमें सेकेंड डिजिट आपको 1 दिख रही है, तो जैसे यहाँ 1 दिख रही है सेकेंड डिजिट, और यहाँ, तो ये भी 2 हो गया। थर्ड डिजिट देखिए, थर्ड डिजिट जहाँ 1 दिख रही है, तो ये वाला थर्ड डिजिट 1 हो गया, दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो गया 2/4। तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, मतलब इक्वली लाइकली है। क्या इनमें कुछ कॉमन है, कोई कॉमन टिकट है? तो कुछ कॉमन तो नहीं है किसी में भी, तीनों टिकट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो टिकट्स आप उठाएंगे ये इंडिपेंडेंट इन नेचर तो होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है वो आपका 0 आ रहा है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपके जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट करके देख लीजिए। तो आप जो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि दो दो पेयर लेकर देखिए प्रोबेबिलिटीज कैसी आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन इक्वल्स टू पी ए डॉट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4। फिर आप देखिए ए वन और ए थ्री, तो ये भी 1/4 आने वाला है, और ए टू और ए थ्री ये भी 1/4 आने वाला है। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट तो होंगे क्योंकि टिकट्स आप इंडिपेंडेंटली उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट तो ये हो नहीं सकता, लेकिन दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ये भी रिजल्ट आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑप्शन में क्योंकि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इनको पेयर वाइज देखा कि क्या ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है क्या। सो इसीलिए सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, सो दैट मीन्स ये जो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो आपने यहाँ पर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन अपियर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब इन टू कंपनी से एक्स एंड वाई, द चांस ऑफ सिलेक्शन इन द कंपनी एक्स इज 0.7, तो एक्स में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। सिमिलरली वाई कंपनी में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन आइदर ऑफ द टू कंपनीज, लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना है, आइदर ऑफ द टू कंपनीज मतलब किसी एक कंपनी में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होंगे या तो कंपनी एक्स में या कंपनी वाई में, तो ये तो आपको पता है कि इवेंट्स का नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी एक कंपनी में सेलेक्ट, तो या तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पर्सन एक्स जो है वो उस कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुआ, किसी वाई कंपनी में सेलेक्ट हो गया, है ना। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही पर्सन सेलेक्ट हुआ है और इसमें हमने दोनों प्रोबेबिलिटीज को कर दिया एड, एडिशन रूल लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे आपके जो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगा सकते हैं। एक्स की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.7 और वाई की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.6, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.6, पी एक्स हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 0.28 एंड दिस इज 0.18, तो ये हो जाएगा आपका 0.46 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें किसी एक कंपनी में ही सिलेक्ट करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दिया और उन दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड कर दिया। तो 0.46 जो है वो आपका आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। आज हमने जो है थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि जब मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया तो वहां देखा कि पैटर्न में इस तरह से चेंज आ रहा था कि थ्योरिटिकल पे ज्यादा फोकस किया गया, कुछ क्वेश्चंस थ्योरिटिकल देखे जैसे ये वाला जो डेफिनेशन बेस्ड है, ऐसे मैच द फॉलोइंग जो डेफिनेशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल्स कम आए। तो वो डिपेंड करता है, हर साल पैटर्न जो है वो चेंज होता है स्टूडेंट्स, तो हर तरह से हमें प्रिपेयर रहना है। और अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बेस्ड के सॉल्व करना चाहते हैं और जो आपको करने भी चाहिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी, मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे और चैप्टर का आपको रिवीजन भी मिल जाएगा। तो वीडियो यही था, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए स्टूडेंट्स को। वीडियो में जो है हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे जो बेस रूल पर बेस्ड होगा, और कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और लेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा हम मॉडरेट या हाई लेवल रखेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।